जनता की समस्याओं को घर द्वार पर सुलझाने के मकसद से प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा चलाए गए जनमंच कार्यक्रम का बिलासपुर में ही आयोजन किया गया है। बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा हलके की 6 पंचायतों से आई लगभग 150 जन समस्याओं व शिकायतों का निवारण करने के मकसद से पुलिस स्टेशन भराड़ी मैदान में जनमंच का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके समक्ष मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जनमंच द्वारा न केवल जनता की समस्याएं सुलझने की बात कही, बल्कि दूर दराज के ग्रामीणों को जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने से भी निजात मिलने का भी दावा किया। सीयू प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। सीयू में मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए गुस्साए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू परिसर धर्मशाला में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीयू प्रशासन को चेताया है कि यदि शीघ्र समस्याएं हल नहीं हुई तो एबीवीपी उग्र आंदोलन शुरू करेगी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 11 साल से सीयू का स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। आलम ये है कि सीयू 3 जगहों पर चलाई जा रही है। सीयू में लाइब्रेरी, कैंटीन और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। सीयू हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि सीयू में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। 2009 में सीयू की स्थापना हुई है, लेकिन आज तक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। 3 भागों में सीयू चल रही है और तीनों जगह बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। सीयू में कैंटीन की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को खाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। सीयू प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन उग्र किया जाएगा और भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो एबीवीपी पीछे नहीं हटेगी। पड़ोसी राज्य पंजाब में हिमाचल के क्रेशर को रोकने के लिए गुंडा टैक्स वसूली का खेल चल रहा है, जिससे न केवल हिमाचल के क्रेशरों को नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे प्रदेश सरकार को जाने वाले राजस्व में भी हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की सप्लाई को पंजाब जाने से रोकने के विरोध में क्रेशर कारोबारी उद्योग मंत्री समेत उपायुक्त कांगड़ा से भी मुलाकात कर चुके हैं। बावजूद इसके उनकी क्रेशर सप्लाई पर गुंडों की गुंडागर्दी बदस्तूर जारी है। क्रेशर मालिकों ने चारों ओर से कोई ठोस परिणाम न आते देख अब मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा जाहिर किया है। पंजाब से सटे हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित क्रेशर उद्योग ने पंजाब के खनन माफिया द्वारा गुंडा टैक्स की शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब से सटे हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित क्रेशर उद्योग ने पंजाब के खनन माफिया द्वारा गुंडा टैक्स की शिकायत दर्ज कराई है। 42 उद्योगपतियों के एक समूह ने बकायदा संबंधित विभागों, पुलिस विभाग और जिलाधीश को बकायदा इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। साथ ही उनकी इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग भी की है। क्रेशर मालिकों ने कहा कि सरकार को भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद भी आज उनका इंटरस्टेट व्यापार बंद हो गया है। क्रेशर इकाइयों को चलाने वाले लोगों ने उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर से भी मुलाकात की और इस सप्ताह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ इंदौरा क्षेत्र में एक बैठक भी तय की है। क्रेशर मालिकों ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद पंजाब माफिया प्रति ट्रक 5,000 रुपए मांग रहा है। वर्तमान में व्यापार बंद है। प्रदेश की क्रेशर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है, जबकि हिमाचल की आपूर्ति लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर और पठानकोट क्षेत्रों में जाती है। इसके साथ ही सोलन, ऊना, सिरमौर और कांगड़ा में क्रेशर मालिकों द्वारा औसतन 30,000 से 50,000 रुपए समेत हर रोज का 20 लाख रुपए का नुकसान सरकार को भी हो रहा है। राहुल पठानिया, रणबीर निक्का,
सहित अन्य क्रशर मालिकों ने कहा कि अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में माफियाओं ने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर और खनन पट्टे दस्तावेजों के होने के बावजूद सड़कों पर उचित अवरोध स्थापित किए हैं और वाहनों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 20 क्रशर हैं जिन्होंने लगभग 4000 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल को रॉयल्टी का भुगतान कर रहे हैं, संबंधित पंचायतों में भी योगदान दे रहे हैं, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में और अन्य सभी करों का भुगतान कर रहे हैं। सरकार को लिखी गई शिकायत में क्रशरों के मालिकों ने कहा कि पंजाब के साथ व्यापार बंद होने के कारण राज्य को भी प्रतिदिन 10 से 15 हजार का नुकसान हो रहा है। उधर उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि क्रशर मालिकों ने उनसे मुलाकात की है और पंजाब में सप्लाई रोकने की बात कही है, जिसका प्रशासन इस संबंध में कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।